व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ही है ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में। मैं हूँ ओम और आज इलस्ट्रेटर के इस 14th एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये फिशेस और ये सब कुछ शो किया था मेरे एक ट्यूटोरियल में जिसमें मैं कुछ समझा रहा था, तो वही फिशेस मैं आज यूज़ करूँगा और इन सबको यूज़ करके मैं एक पैटर्न क्रिएट करूँगा। पैटर्न का डेफिनेशन हम सबको पता है, पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न सिंपली एक रिपीटेटिव डिज़ाइंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस में वो रिपीट होते हैं, तो वही हम क्रिएट करना अभी सीखने वाले हैं। पैटर्न क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी एक स्क्वायर की। अब ये स्क्वायर क्यों ज़रूरी है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इस स्क्वायर में मैं कोई एक फिश यहाँ से ड्रैग करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, इसे यहाँ पर रख देता हूँ और इसे मैं कहीं यहाँ पर रखता हूँ। ये जो छोटी वाली फ़िश है उसे मैं कहीं पर यहाँ रखता हूँ। अब जो कुछ भी मैंने इस स्क्वायर में डिज़ाइन किया है वो सारा का सारा मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ स्वेचेस पैनल में उसे ड्रैग कर दूँगा। स्वेचेस पैनल अगर आपके यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो विंडो में जाइए, वहाँ पर स्वेचेस अवेलेबल होगा। सो मैं इस पूरे आर्टवर्क को उठाकर यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है न्यू पैटर्न स्वेच के नाम से, तो अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ और अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वो जो कुछ भी मैंने एज अ पैटर्न सेव किया है वो अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल, तो यहाँ पर मुझे इस सर्कल को सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये पुराने वाले आइटम्स मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये पैटर्न यहाँ पर देखिए सर्कल में वो पैटर्न आ चुका है जिसे हमने स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया था। अब अगर मुझे इन पैटर्न में चेंजेस करने हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं उस स्टेज में पहुंचूंगा जहां पर मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर में हमें ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए ये टाइल्स के अनुसार चलता है, टाइल्स स्क्वायर होते हैं उसके अनुसार ही ये पैटर्न को क्रिएट करता है। यहां पर टाइल्स के कुछ टाइप्स है जो हम चेंज कर सकते हैं। अभी जो टाइप है वो ग्रिड है, यहां पर हम ब्रिक बाय रो कर सकते हैं। यहां पर इस फिश पर नजर रखिए, ब्रिक बाय रो करते ही वो थोड़ी सी इस तरफ हट गई, मतलब जो टाइल्स थे वो इस तरह से स्टैक हो गए हैं। उसी तरह हम ब्रिक बाय कॉलम भी कर सकते हैं इस तरह से, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि हेक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय रो, इसके लिए इस तरह का शेप होना ज़रूरी होता है। मुझे यहाँ पर ज़रूरी लगता है ब्रिक बाय रो, तो मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। ये जो विड्थ और हाइट है वो देखिए, जैसे ही मैं विड्थ बढ़ाता हूँ ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और अगर हाइट बढ़ाता हूँ तो भी वो इस तरह से दूर होते हैं। तो इस टाइल से कितना ऑब्जेक्ट को दूर रखना है, नज़दीक रखना है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको करना है तो साइज टाइल टू आर्ट कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी स्पेसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। यहाँ पर आप ओवरलैपिंग वगैरह कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा टाइम इस पैटर्न को बनाने में देते हैं उतना ज़्यादा आपका पैटर्न जो है वो अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर इसकी कुछ कॉपीज़ है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इससे भी कई ज़्यादा अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो इस पैटर्न ऑप्शन में। यहाँ पर आप उसके कॉपीज़ डिसाइड कर सकते हो, 3x3 या फिर 5x5। ये जो डिम कॉपीज 220% है, ये जो हमारा साइड में हमें कॉपीज़ नज़र आ रहे हैं उसका ये डिमनेस जो होता है वो डिफाइन करता है। अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, ज़रूरत नहीं होती। शो टाइल एजेस, सिंपली जो टाइल के एजेस है वो हमें दिखाता है। और ये स्वेच बॉम्ब्स, जैसे आपको लगता है कि आपका पैटर्न पूरा हो चुका है आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़िट करना है या फिर आप यहाँ पर एक कॉपी सेव कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर आप डन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं।
आप चाहे तो इनमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इनका जो वेट है स्ट्रोक का वो आप चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर खेलते हैं आपको नए नए ऑप्शंस यहाँ पर मिलते जाते हैं। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, बाहर की तरफ आता हूँ, तो देखिए इस तरह से मेरा एक पैटर्न बन चुका है। अगर मैं स्क्वायर शेप में लेता हूँ तो देखिए अच्छा दिखेगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये डायगोनल लाइंस नज़र आ रहे हैं, तो अगर मुझे उसे चेंज करना है तो सिंपली मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर, और जाकर यहाँ से मेरी जो ब्रिक बाय रो या ब्रिक बाय कॉलम की जो फंक्शंस है उन्हें मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैं वापस आकर फिर से देख सकता हूँ। देखिए अभी डायगोनल नहीं है, ये पेड़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इस पेड़ को भी वहाँ पर जाकर रिमूव कर सकता हूँ, या फिर उसे छोटा कर दूँगा, या फिर कुछ और वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा ताकि वो अच्छा दिखे। सो बस इसी तरह से आपको पैटर्न्स इजीली क्रिएट करने हैं इलस्ट्रेटर में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए, हमारी फेसबुक की कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे अपडेट्स मैं बार बार देते रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव। जितना कुछ मैं सिखा रहा हूँ उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप जो कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं मुझे मेरे फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू।